Good morning, students. Today we will do simple present tense. We usually uses the simple present tense to express general truth. General truth means like honesty is the best policy. The sun rises in the east. The sun sets in the west. And another example of this is the earth revolves around the sun. These are the examples of simple present tense or general truth. Right? Next, we use this tense for our habitual actions. Habitual actions जो हमारी habit है करने की, like we go to play every day. हम रोज खेलते हैं. I take my bath daily, मैं रोज नहाता हूँ. I study daily, मैं रोज पढ़ता हूँ. Right? So these are the habitual actions. Now, often used in this tenses, some words are there like every day, never, always, usually, often. Means this is often. OFTEN, but T is silent here, that's why we pronounce it like often, right? Now we will read the structure of this. For affirmative sentences mein, means positive sentences mein, iski jo formation hoti hai wo kaise banegi? Singular subjects. Like he, she, it or singular noun plus first form of verb plus SOES plus object. Right? जो singular subjects होते हैं हम उनके साथ V1 plus SOES plus object use करते हैं. Like a bird flies in the sky. A bird is a singular subject. So we put S or ES in the verb like fly, so we will change it with flies, F-L-I-E-S. Next is he goes to school daily, वो रोज स्कूल जाता है. He is a singular subject, that's why we will use S or ES, goes. Right, now for the plural subjects. प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम एस और ई एस यूज नहीं करेंगे. लाइक आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. आई जो है हम यहाँ पे ये एक एक्सेप्शनल केस है और आई को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एज ए प्लूरल सब्जेक्ट, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसी के फॉर्मेशन में हम उसको यूज करेंगे. नेक्स्ट इज वी लव आवर कंट्री. द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है वो कैसे हैं? प्लूरल है. सपोज कीजिए कि अगर हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं फॉर द फर्स्ट एग्जांपल, लाइक ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे. He drinks. तो drink के साथ S और ES use करेंगे हम. Next है we love each other. तो इसको अगर हम singular subject से change करें, जैसे कि she loves our country. Next is Mohan plays in the park. Play के साथ हम S और ES use करेंगे. सेम है अगर हम नेगेटिव सेंटेंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको कैसे बनाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमें V1 के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो हमने S और ES यूज़ किया था, हम उसकी जगह यहाँ पर डू के साथ डू प्लस S और ES हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो वो वाला जो एस और ई एस था जो V1 के साथ था, हमने ये यहाँ पे इसे दे दिया.
राइट, तो क्या हो जाएगा ये, शी डज नॉट ईट पिज्जा। अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा, शी ईट्स पिज्जा, फिर ईट के साथ एस लग जाएगा, एस और ई एस हम यूज करेंगे वी वन के साथ। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज, सूरज डज नॉट कैरी द वॉटर बॉटल इन द बैग। सो सूरज डज नॉट कैरी, राइट, अगर हम इसे एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, सूरज कैरीज द वॉटर बॉटल इन अ बैग। हमने यहाँ पे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो डू के साथ एस और ई एस यूज़ करेंगे, मीन्स डज कर देंगे उसे, और जो वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ई एस था वो यूज़ नहीं होगा। ओके, देन प्लूरल सब्जेक्ट का अगर केस है तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट और अगर वहाँ पे या फिर आई है तो डू नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट सिंग वेरी वेल। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे वी वन के साथ हमने एस और एस तो यूज़ ही नहीं किया ना, यहाँ पे देखिए नहीं कर रहे थे हम, एफर्मेटिव में भी नहीं कर रहे थे, तो हम यहाँ पे डू के साथ भी एस और एस यूज़ नहीं करेंगे। दे डू नॉट सिंग वेरी वेल, अगर हम इसी का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, दे सिंग वेरी वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डू नॉट शाउट एट माई फ्रेंड्स, राइट, आई डू, वाई, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट या आई, इनके साथ हम वी वन ही यूज करते हैं, एस और ई एस यूज नहीं करते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ। तो अगर हम इसी का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं तो वो कैसे बनेगा, आई शाउट एट माई फ्रेंड, राइट। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में उसमें। अब देखिए डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप याद रखेंगे कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम ये डज यूज करेंगे, ऑलवेज वी विल यूज डज, राइट। सी डज योर मदर गो टू ऑफिस, क्या आपकी मदर ऑफिस जाती हैं। अब इसी का आप सबसे पहले एफर्मेटिव में इसको चेंज करिए, योर मदर goes to office, full stop, आपकी मदर ऑफिस जाती हैं। अब इसी का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, योर मदर डज नॉट गो टू ऑफिस, आपकी मदर ऑफिस नहीं जाती हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डज ही स्पीक द ट्रुथ, क्या वो सच बोलता है, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस विल बी ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, एफर्मेटिव विल बी ही स्पीक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस और ई एस लग जाएगा वी वन के साथ, और ये जो डज है हम ये यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ही स्पीक्स द ट्रुथ, राइट। ऐसे ही जब हम प्लूरल सब्जेक्ट के को लेकर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट या आई को लेके, तो उसकी फॉर्मेशन होगी डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल डू आई डिस्टर्ब यू, राइट। अब इसी का अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनेगा, आई डू नॉट डिस्टर्ब यू, एफर्मेटिव विल बी आई डिस्टर्ब यू। नेक्स्ट इज डू मीरा एंड नेहा स्पीक
fluent English. Here, the affirmative sentence will be Meera and Neha speak fluent English. The negative sentence will be Meera and Neha do not speak fluent English. फिर से सुनेंगे. Meera and Neha speak fluent English. Right? Now, some important points are like he, she, it और singular noun. यहाँ पे ये आपको बताए गए हैं. ये क्या होते हैं? Singular subject होते हैं. Right? तो इनके साथ आपको verb की form कैसे use करनी है वो आप देखेंगे. देखिए, ये मैंने ये यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे. He plays. He does not play. Does he play? She cries. She doesn't cry. देखिए, does not को हम क्या pronounce कर सकते हैं? Doesn't. Does she cry? It rains. It doesn't rain. Does it rain? Right? Same as plural subjects हम देखेंगे यहाँ पे. प्लूरल सब्जेक्ट और I, इन दोनों में हम देखेंगे. ये आपके सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और ये आपकी वर्ब की फॉर्म आपको कैसे यूज़ करनी है वो है. वी प्ले. वी डू नॉट प्ले. डू वी प्ले? अब देखिए, एनिमल्स. एनिमल्स क्या हो गया? प्लूरल नाउन. एनिमल्स ग्रेज. अगर हम इसको सिंगुलर नाउन लेते तो हम कैसे लिखते? काओ grazes. Right? Next is, do animals graze? I play. I do not play. Do I play? So, this is our simple present tense.